तू डाल डाल तो मैं पात पात। बीजेपी कांग्रेस को झटका देने का सोच ही रही थी कि कांग्रेस ने दहला फेंक कर बीजेपी को झटका दे दिया। हालांकि कांग्रेस के इस दहले ने बहन जी यानी कि मायावती को भी अपना शिकार बना दिया। यूपी की राजनीति में हाशिए पर आ चुकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने प्रभाव वाले इलाकों में आजकल अलर्ट मोड पर है। रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह और हरचंदपुर विधायक राकेश सिंह के पार्टी लाइन से हटकर काम करने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बेहद सजग थी और इसी सजगता के कारण लगातार प्रियंका रायबरेली जैसे अपने अभेद किले में लगती सेंध को रोकने के लिए प्रयास कर रही थी और आखिरकार उनको सफलता मिल गई। आज रायबरेली के भुआमऊ गेस्ट हाउस में अदिति सिंह के चचेरे भाई मनीष सिंह ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ले ली। मनीष पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनको कांग्रेस के राकेश सिंह ने पराजित कर दिया था। कांग्रेस में शामिल होने से पहले मनीष सिंह ने न्यूज 24 से बात करते हुए कहा कि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, वो प्रियंका की राजनीति से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सुनिए मनीष सिंह ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बिल्कुल भैया, प्रियंका जी के दिशा निर्देश पे जैसा वो आदेश करेंगी उसी हिसाब से आज उसके उनके आदेश को सुनते हुए पूरे तन मन से हम लोग सारे लोग नौजवान बुजुर्ग जितने साथ में आज शामिल होने वाले आए हैं, हजारों की तादाद में हम लोग आए हैं जिसमें नौजवान खूब हैं, बुजुर्ग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, पूर्व प्रधान हैं, BDC हैं, सब लोग आज कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं और अपने जीवन के अंतिम यात्रा तक अंतिम चरण तक हम लोग अपने पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगे। और अभी सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके बाद आके आप लोगों से बात करता हूँ मैं।